स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। यहाँ पे ये लिस्ट अपडेटेड होगी 21 जून तक। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इसी तरह करेंट अफेयर की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, या फिर आप इस वेबसाइट पर जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम केवल 30 व्यक्तियों के नाम आपको बताने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रखते हैं। तो शुरू करते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के हेड होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं, और जो इनको सैलरी मिलती है वो इनके उपराष्ट्रपति होने पे नहीं मिलती है, उनके राज्यसभा के अध्यक्ष होने पर ही मिलती है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा, मतलब कि 2024 में इनका कार्यकाल अब खत्म होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं रंजन गोगोई। रंजन गोगोई ये मुख्य न्यायाधीश है किसके? तो सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 30+1 जज होते हैं, 30 मतलब कि ये जज होते हैं और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो ये मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला। इस बार की लोकसभा कौनवी है? तो ये 17वीं लोकसभा है और इसके अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला, जो कि BJP के सांसद हैं राजस्थान के कोटा से। आगे बढ़े तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये हैं सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और इन्हीं के देखरेख में इस बार का जो 2019 का इलेक्शन हुआ है ये इन्हीं के देखरेख में संपन्न हुआ है। अब आगे बढ़े तो ये हैं CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये हैं राजीव महर्षि। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो ये होते हैं अरविंद सक्सेना। भारत के महान्यायवादी तो ये हैं KK वेणुगोपाल। महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का पक्ष रखते हैं हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ें तो यहाँ पे यही कुछ खास लोगों थे। अब आपको कुछ विभागों के सचिव और सलाहकारों का नाम भी देखना चाहिए क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। भारत के कैबिनेट सचिव तो कैबिनेट सचिव हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तो ये हैं नृपेंद्र मिश्रा। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तो ये हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। और लोकसभा के महासचिव तो ये हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। ये लोकसभा की महासचिव है और अगर आपने शपथ ग्रहण का समारोह देखा हो, मतलब जो लोकसभा के अंदर हो रहा था इन लोगों का एक एक पर्सन जो कि अपना शपथ ले रहे थे, तो वहाँ पे वही जो एक लेडीज थी उन्हीं का नाम था स्नेहलता श्रीवास्तव और वही जो लोकसभा की महासचिव भी हैं। आगे बढ़ें तो उसी तरह राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो ये हैं देश दीपक वर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो ये हैं अजीत डोभाल। इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी इस बार मिला है। आगे बढ़े तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तो ये हैं अश्वनी लोहानी। गृह सचिव तो ये हैं राजीव गौबा। वित्त सचिव हसमुख अधिया। रक्षा सचिव संजय मित्रा। विदेश सचिव विजय केशव गोखले। मुख्य आर्थिक सलाहकार तो ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब यहाँ पे कुछ कैबिनेट मंत्री का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, कैबिनेट मंत्री तो वैसे कुल मिला के मंत्रालय की बात करें तो करीब 85 मंत्री तक हो जाते हैं, जिसमें से 57 लोग शपथ ले भी चुके हैं मोदी 2 के कार्यकाल में, लेकिन आपसे यहाँ पे केवल 10 ही लोगों का नाम पूछे जाने की चांसेस होती है, जिसमें से प्रधानमंत्री हम पहले ही बता चुके हैं, या भाई होम मिनिस्टर मतलब कि गृह मंत्री। तो इस बार गृह मंत्री हैं अमित शाह, पिछली बार राजनाथ सिंह थे। इस बार जो गृह मंत्री बनाए गए हैं इनका लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? तो ये है गांधीनगर गुजरात। वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण। ये लोकसभा का चुनाव नहीं इन्होंने अटेंड किया था इस बार, और ये पिछले जो सरकार थी मोदी वन था उसमें ये रक्षा मंत्री थी। इस बार रक्षा मंत्री कौन है? तो ये है राजनाथ सिंह और ये लखनऊ से चुन करके गए हैं। विदेश मंत्री कौन है? तो ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम। ये भी लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य नहीं है, ये विदेश सचिव भी रह चुके हैं पिछली सरकार में और इस बार इनको विदेश मंत्री बना दिया गया है। ये है डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़े तो कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मानव संसाधन विकास मंत्री,
मतलब कि आप इनको शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। रेल मंत्री कौन है? तो ये पिछले बार भी रेल मंत्री थे, ये है पीयूष गोयल। कानून और न्याय मंत्री, तो ये है रविशंकर प्रसाद। और पिछले बार भी ये कानून मंत्री थे, लेकिन पिछले बार ये राज्यसभा से थे, लेकिन इस बार ये लोकसभा से हैं। और इनकी जो सीट है वो पटना से है, बिहार पटना। तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री में इतना ही नाम आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब देख लेते हैं कुछ आयोगों के अध्यक्ष जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो ये है HL दत्तू। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तो ये हैं सैयद गोरियाल हसन रिजवी। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, तो ये हैं राम शंकर कठेरिया। अनुसूचित जनजाति के लिए नंद कुमार साई। देखिए यहाँ पे जो लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं लोगों को कवर किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, तो ये है रेखा शर्मा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस प्रमोद कोहली। केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब कि CBC के अध्यक्ष KB चौधरी। और केंद्रीय सूचना आयोग, इसके हैं सुधीर भार्गव। राष्ट्रीय वन आयोग, इसके अध्यक्ष हैं BN कृपाल। और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र कीमर सीकरी। अब आगे कुछ देखते हैं कुछ लोगों के नाम जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, तो यह है शेखर बसु। अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष, तो यह है के सिवान। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस बार जो हमारा अंतरिक्ष विभाग है, मतलब कि जो इसरो है, वो 15 जुलाई को चंद्रयान 2 को लॉन्च कर रहा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, तो यह है DP सिंह। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, तो यह है नरेंद्र कुमार। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक तपन मिश्रा। आपको बता दें कि आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अब देख लेते हैं कुछ वित्तीय निकायों के प्रमुखों के बारे में। तो सबसे पहले RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है? तो ये है शशिकांत दास। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है NK सिंह। वित्त आयोग को आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है, ये 5 साल के लिए होता है। तो इस बार जो 15 वित्त आयोग है वो 15वां है और इसके हेड हैं NK सिंह। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके हेड कौन है? तो अशोक चावला। आगे बढ़े तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके हेड हैं सेतुरन्नम रवि। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, मतलब SBI की बात हो रही है, ये हैं रजनीश कुमार। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष महेश कुमार जैन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, तो ये हैं अशोक कुमार माथुर। अब देख लेते हैं कुछ लोगों के नाम जो कि रिलेटेड हैं रक्षा और सुरक्षा से। तो सबसे पहले थल सेना अध्यक्ष, तो ये हैं जनरल बिपिन रावत। वायुसेना अध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। के हेड मतलब अध्यक्ष निदेशक, तो ये हैं राजीव जैन। उसके बाद देखते हैं CBI के निदेशक कौन है? तो ये हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं राजीव राय भटनागर, CRPF। और आगे बढ़े तो CISF के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं राकेश रंजन। ITBP के महानिदेशक कौन है? तो SS देवसाल इनका नाम है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं सुदीप लखटकिया। NIA के महानिदेशक कौन है? तो YC मोदी। और NDRF के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं संजय कुमार। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने केवल उन्हीं लोगों का नाम कवर किया है जिनके आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो ये है sarkariexam.me। आपको इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो का PDF आपको इसी वेबसाइट पे मिलता है। अगर आप इसे अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा और अगर आप इसे अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। इसमें सबसे फायदे वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके नीचे जाने पर आपको GK टेस्ट का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे ढेर सारे GK के टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पे जाके आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप GK का टेस्ट दे सकते हैं। इसमें पॉलिटी GK, कंप्यूटर GK, इंडिया GK और इस तरह के स्टेट वाइज GK भी अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही जो वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती है उसका PDF आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आके डाउनलोड कर पाएंगे।
अगर आप किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी पेज को अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर करने का लिंक सीधे उसी पेज पर नीचे मिल जाएगा। इसे आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे बड़े ही आसानी से भेज पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।